हाँ गुप्ता जी, नहीं नहीं आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आपको दोबारा फोन करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ हाँ जी 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 मैं फोन करता हूँ। क्या हुआ आकाश, कौन से वाले गुप्ता जी का फोन था? अरे भैया वो शंकरलाल गुप्ता जी है ना, जिनके कपड़े की मिल है, वो उनके बेटे का बर्थडे है, उसके उसके लिए हमें कॉन्ट्रैक्ट देने के लिए फोन किया था। वाह आकाश, और एक कॉन्ट्रैक्ट, ये तो गजब हो रहा है। ये अवस्थी जी हमारे लिए बहुत लकी निकले। अरे अवस्थी जी आइए आइए आइए, क्या बात है, पूरे 100 साल जिएंगे आप। अभी मैं और आकाश आप ही के बारे में बात कर रहे थे। भाई मैं तो अक्सर आप दोनों के बारे में बातें करते रहता हूँ। पूरे सीतापुर में आप दोनों से बेहतर इस बिजनेस में कोई नहीं है भाई, इसीलिए तो मैं आप लोगों को ये कॉन्ट्रैक्ट दे रहा हूँ। बैठिए ना आप बैठिए। बोलिए अवस्थी जी, क्या पियेंगे आप, गर्म या ठंडा? अरे नहीं भैया, इसकी कोई जरूरत नहीं है। अरे कैसी बातें कर रहे हैं आप अवस्थी जी, ऐसे कैसे जरूरत नहीं है। हाँ वैसे आपको पता है आप हमारे लिए बहुत लकी हैं। भाई आप लोगों को ये कॉन्ट्रैक्ट तो मिलना ही था, अगर हम देते या ना देते। ऐसा क्यों अवस्थी जी? देखिए दो बातें, एक तो आप दोनों इस बिजनेस में एकदम अच्छे हैं, और दूसरी बात हर कोई ये भी तो चाहेगा MLA के परिवार के साथ अच्छे रिलेशन हो। देखिए आकाश बाबू, ये दुनिया का नियम है, आज मैं आपके काम आ रहा हूं तो कल आप मेरे काम आएंगे। हाँ ये दुनिया की रीत है। इसमें कोई नयापन भी नहीं है, आज आपको फायदा हो रहा है तो कल हमें फायदा होगा। तो इसका मतलब ये है अवस्थी जी कि आप ये कॉन्ट्रैक्ट हमें इसलिए देना चाहते हैं ताकि आप पूनम जी के पद का भविष्य में फायदा उठा सके। ना ना ना, मेरा ये मतलब नहीं था आकाश। ये कौन सा तरीका हुआ बात करने का? नहीं भैया हमें ऐसा काम नहीं चाहिए, हमने अपनी मेहनत अपने खून पसीने की कमाई से प्रार्थना डेकोरेटर्स का नाम कमाया है, ऐसे ऐसे गिरकर काम नहीं करना हमें। आकाश तुम बेवजह बातों को तोल दे रहे हो, ऐसा भी अवस्थी जी ने क्या कह दिया? देखिए अवस्थी जी हम ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, आकाश मैं कह रहा हूं ना हम ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है अवस्थी जी, हम आपका काम जरूर करेंगे, लेकिन एक बात आप याद रखिएगा, भविष्य में इस बात की कोई उम्मीद मत रखिएगा कि इसके बदले पूनम जी आपका कोई भी उल्टा सीधा काम कर देंगी। तो ठीक है आकाश बाबू, अगर आप दुनिया के रूल रेगुलेशन के विपरीत चलना चाहते हैं तो चलिए, आगे भगवान ही मालिक है। और इस कॉन्ट्रैक्ट को रहने दीजिए, मैं चलता हूं। बोलो डिंपल। क्या कर रही है कन्नू? क्या कर रही हूँ, आराम फरमा रही हूँ। सरकारी आवास में आए हैं ना हम, अरे यहाँ की तो बात ही कुछ और है। हाँ भाई, आखिर एक MLA का सरकारी आवास है, समझ सकती हूँ मैं। अच्छा सुनो ना, आम का सीजन शुरू हो गया है और तुम तो जानती हो कि हमारे कितने बाग हैं, तो कुछ आम की पेटी भिजवा दूँ? सच? हाँ बिल्कुल, हमने बहुत सारा अचार डलवाया है, वो भी भिजवा देती हूँ। हाँ ठीक है डिंपल, जल्दी से भिजवा दो वरना सब मुझे बनाना पड़ेगा। अरे तुम्हें क्यों बनाना पड़ेगा, इतना सामान भिजवाऊंगी ना कि पूरे साल भर तक खत्म नहीं होगा। अच्छा सुनो ना कन्नू, वो फाइल मिली क्या? मैंने हमारे ऑफिस के चपरासी के हाथ भिजवाई थी। हाँ मुझे फाइल मिल गई है, तुम चिंता मत करो, तुम्हारा काम मैं करवा दूंगी। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद कन्नू। हो जाएगा डिंपल, इसमें धन्यवाद करने वाली क्या बात है, तुम तो धन्यवाद मतलब धन लक्ष्मी की वर्षा कर दूंगी तुम पर। अच्छा सुन, अभी मैं रखती हूँ और तुम्हारा सामान मैं सुबह ही भिजवा देती हूँ। हाँ ओके बाय कन्नू। आज आप बहुत जल्दी आ गए। तुम कहती हो तो वापस चला जाता हूँ, थोड़ी देर बाहर घूम के आता हूँ फिर से। क्या बात है, आप बहुत गुस्से में हैं? आखिर हुआ क्या?
अवस्थी जी आए थे हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाने के लिए, और बदले में हमारे जरिए पूनम से कुछ छोटा मोटा काम करवाना चाहते थे, लेकिन आकाश ने ना आगे सोचा ना पीछे, मना कर दिया। कॉन्ट्रैक्ट हाथ से चला गया और आगे न जाने हमें कितने बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट मिलते हैं। सबसे अब हाथ धो बैठना पड़े। हे भगवान, ये देवर जी भी ना, कल मुझसे मेरी एक सहेली मिलने आई थी, उसे अपने पति की फाइल पर पूनम के दस्तखत चाहिए, जिसके लिए वो अच्छी खासी रकम देने के लिए तैयार थी, इसलिए मैंने हामी भी भर दी। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या कन्नू? आकाश ने इतने बड़े कॉन्ट्रैक्ट को ठोकर मार दी, और तुम्हें क्या लगता है कि पूनम बिना सोचे समझे किसी की भी फाइल पे दस्तखत कर देगी? तुम ये ख्याली पुलाव पकाना छोड़ दो कन्नू, मेरा भाई और तुम्हारी देवरानी, उसको परिवार के फायदे और नुकसान से कोई मतलब नहीं। मतलब है तो अपने उसूलों से और सच्चाई से। मना कर दो अपनी सहेली को, कुछ काम वाम नहीं होने वाला। देखिए, राजा और मंत्री में बहुत फर्क होता है, क्योंकि मंत्री जब नियम और कानून का पालन नहीं करता तो उसे राजा को जवाब देना पड़ता है, लेकिन राजा को किसी को जवाब नहीं देना होता, इसलिए वो जो चाहे वो कर सकता है। इसलिए मैं सीधे राजा मतलब पूनम से बात करूंगी, क्योंकि पूनम मुझे मेरे काम के लिए कभी इनकार नहीं कर सकती। तुम्हें पक्का यकीन है? एकदम पक्का। पूनम आ गई तुम? आज क्या क्या किया वहां पे? बहुत थक गई होगी ना? लाओ ये मुझे दो ना। हाँ भाभी, बहुत भागदौड़ थी और कल का दिन तो और बड़ा होने वाला है। अब इतनी बड़ी जिम्मेदारी निभा रही हो तो दिन तो बड़ा होगा ही ना। अच्छा भाभी, आकाश जी आ गए क्या? हाँ, अभी थोड़ी देर पहले ही दोनों भाई आए हैं। पूनम, मुझे तुमसे एक काम था। हाँ भाभी बोलिए ना। मेरी एक सहेली है, उसके पति ठेकेदार है, बहुत ही ईमानदार और मेहनती हैं। उनकी एक फाइल आई है मेरे पास, तो तुम जरा देख लो। तो अगर ये ठेका इन्हें मिल जाता तो अच्छा रहता। ठीक है भाभी, हम फाइल देख लेते हैं। भाभी एक काम कीजिए ना, कल अपनी सहेली को ऑफिस लेकर आइए, हम उनसे वही बात कर लेंगे। हाँ, गुड नाइट। तो पूनम जी, कैसा रहा आपका दिन? बहुत ही थका देने वाला। आप बताइए आकाश जी, आपका दिन कैसा था? अच्छा नहीं रहा पूनम जी। क्यों, क्या हुआ आकाश जी? मैंने आपको वो अवस्थी के बारे में बताया था ना? हाँ, वही ना जो आपको बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट देने वाले थे। कॉन्ट्रैक्ट तो बहुत बड़ा था पूनम जी, लेकिन आदमी उतना ही छोटा निकला। मतलब ये कि वो उस कॉन्ट्रैक्ट के बदले आपसे, यानी कि एमएलए पूनम गर्ग से अपना काम करवाना चाहता था। तो फिर आपने क्या कहा? तोड़ दिया मैंने वो कॉन्ट्रैक्ट, मना कर दिया उसके लिए। लेकिन हाँ, मेरी इस बात की वजह से जय भैया मुझसे नाराज हो गए। आप चिंता मत कीजिए, जय भैया मान जाएंगे। और रही बात कॉन्ट्रैक्ट की, देखिएगा इसके बाद आपको बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट मिलेंगे। मिलेंगे भाई,
आप कह रही हैं तो जरूर मिलेंगे। वो तो हो जाएगा, आप बस ये बताइए कि वो स्कूल का क्या हुआ। आकाश जी, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई। वो स्कूल एक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लैंड पर बनी है और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने स्कूल को नोटिस भेज दिया है कि एक हफ्ते के अंदर वो स्कूल को तोड़ देंगे। अब हमारे पास बस एक ही रास्ता है, किसी भी तरह से हमें स्टे ऑर्डर चाहिए, पर कल कोर्ट बंद है, इसीलिए मजिस्ट्रेट साहब से मिलने उनके घर जा रहे हैं हम। देखते हैं क्या होता है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।